और एक्सप्रेसो हीरो और हमारी बल्कि कौम की हीरो अज़मा हिम्मत की मिसाल कोपेमान नायला कियानी की बात करते हैं, जिन्होंने तारीख रकम की है और पाकिस्तान में मौजूद तमाम पांच चोटियां जो 8000 मीटर से बुलंद हैं उन्होंने सर कर ली हैं। इस हवाले से आपको उसी दिन बताया था जिस दिन चोटी उन्होंने सर की थी। नायला कियानी ने दुनिया की पाँचवीं बुलंद तरीन चोटी मकालू भी सर कर ली और एक नई तारीख रकम कर लिया। और मकालू पहाड़ की अगर हाइट की बात की जाए तो 8485 मीटर बुलंद है। नायला कियानी ने गुज़िश्ता सुबह नेपाल में वाकई जो इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि पांचवी बड़ी चोटी मकालू सर की थी और पाकिस्तान की तारीख में ये 8000ers जो हैं उसकी 11 चोटियां हैं सर करने वाली पहली खातून बन गई हैं। और ये कैसे हो सकता है कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए अपने शोबे के लिए कुछ बहुत अच्छा करे और हमारे शो में ना आए। नायला पहले भी आ चुकी है वैसे, लेकिन आप बनता है इनका दोबारा आना, तो हमने इन्वाइट किया। थैंक यू वेरी मच योर टाइम नायला फॉर ज्वाइनिंग अस। आप कैसी हैं और आपको एक बार फिर बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज ग्रेट हैविंग यू, आप इतनी इंस्पिरेशनल हैं। मुझे याद है हमारी जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी, मैनेजिंग योर फैमिली एंड यू नो अपने पैशन को साथ कैरी करना, कीपिंग योरसेल्फ फिट फॉर दिस गेम, ये बहुत बड़ा टास्क है। ये कैसे हो रहा है और हुए जा रहा है, राज हमें भी बताइए दोबारा या हमारे नए देखने वालों को। टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद पता नहीं कैसे हो रहा है। आई थिंक एक तो अल्लाह ताला ने आई गेस मेरी किस्मत में नसीब में लिखा हुआ था, लेकिन आई प्रायोरिटाइज थिंग, आई मल्टीटास्क और सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब आई पीपल समटाइम्स दे कॉल मी सुपर वुमन, बट अगर मुझे सपोर्ट नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाती। मतलब ऑफकोर्स मेरी खुद स्किल भी है, बट सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस वुमन टू अचीव व्हाट वी डू। इंडीड। अच्छा, तो नायला बहुत सारी चोटियां सर कर चुकी हैं आप और जो बुलंद तरीन चोटियां हैं उनको सर करने का रिकॉर्ड है आपका। सबसे ज्यादा मिसमराइजिंग व्यू, सबसे प्यारा व्यू आपने कहाँ देखा? आई थिंक दो तरह की, एक तो सुबह के टाइम वो जो पूरे बादलों बादलों के ऊपर होते हैं हम व्हेन वी नियर द टॉप, लेकिन एक जो व्यू जो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, दो तीन दफा हुआ था ऐसे तीन पहाड़ों पे कि we were actually higher, I saw something bright, तो मुझे लगा किसी की head torch है, and then when I paid attention तो वो चांद था, तो we were higher than moon at, on three mountains, तो it was is something that I cannot forget. Beautiful it is. I mean, आपको एक light अपने से नीचे level पे feel हो रही है और आपको पता लगे कि वो चांद है, बहुत ही जबरदस्त है। तो ये बताइए मकालू का कैसा तजर्बा रहा, how मकालू treated you? मकालू was very hard actually. मकालू इज़ माई सेकेंड हार्डेस्ट माउंटेन। एक तो वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था और विंडी बहुत ज़्यादा था। विंड में आप मतलब इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं होते, कभी कभी ऐसा लगता है आपको विंड धक्का दे रही है, मतलब इफ़ यू आरंट होल्डिंग ऑन टू अ रोप तो वो आप गिर भी सकते हैं। लेकिन दूसरा रीज़न था बिकॉज देयर वाज़ नॉट अ लॉट ऑफ स्नो और वो जो विंड थी वो स्नो अपने साथ उड़ा के लेके जा रही थी, तो वो जो उसके नीचे रॉक आइस एंड ब्लू आइस थी वो सारी एक्सपोज थी, सो वी हैड टू क्लाइम ऑन रॉक एंड आइस, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड देन जब आपको लगता है कि जीरो एनर्जी है एंड देन आप फिर देखते हैं तो समिट के ऊपर फिर आपको रॉक नजर आता है 400 meters, सो दिस माउंटेन वाज वेरी वेरी हार्ड। मतलब मैं क्लाइम करती हूँ, बहुत से लोगों का स्टेमिना खत्म हो जाता है, कुछ की मेहनत करते उम्र खत्म हो जाती है, आपके लिए तो चोटियां ही खत्म हो गई हैं। अब हमारे पास और 8000er है ही नहीं, क्या करें, अब क्या करेंगे, आप बोर हो जाएंगे। इंशाल्लाह तीन रह गई हैं, उन्हें बीच दो थ्री तो नेपाल में है और एक चाइना में। अच्छा, उनको भी करना ठीक है। और नायला एजुकेशन के लिए भी आप कुछ काम कर रही हैं, उसके हवाले से भी हमें भी बताएं, हमारे नाज़रीन को भी बताइए। एजुकेशन आई थिंक एक तो हमारा मतलब बड़े शहरों में इतना ज्यादा इशू नहीं है, बट व्हेन वी गो टू विलेजेस छोटे एरियाज वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है लड़कियों के पास। और जब मुझसे पूछा जाता है कि आपने कैसे किया, तो व्हेन आई थॉट अबाउट इट आई थिंक बिकॉज ऑफ एजुकेशन, आई एम आल्सो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल, मतलब मैं पिंडी में पैदा हुई थी बट माय फैमिली इज फ्रॉम गुजरहान एंड आई एम इन माय डैड्स फैमिली मी एंड माय सिस्टर आर द ओनली एजुकेटेड गर्ल्स, तो वो हम जो इतना आगे आए हैं आई थिंक वो एजुकेशन की वजह से ही है। अगर एजुकेशन नहीं होती तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव अचीव्ड एनीथिंग दैट आई डिड, सो इसीलिए आई एम बीइंग अ बिट वोकल अबाउट इट नाउ कि लड़कियों को पाकिस्तान में खवातीन को लड़कियों को यंग लड़कियों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो मतलब दे कैन सी द वर्ल्ड, उनको पता चले कि वो उनमें क्या टैलेंट है जो कि वो आगे लेके जा सकते हैं। आई बिलीव उन पे ट्रस्ट करना चाहिए ना, वो जो करना चाह रही हैं। आपकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, आई रिमेम्बर आपने हमें बताया था और अब तो मुझे ये याद ये जान के और अच्छा लगा कि आपका ताल्लुक पोठोहार से है। आई वॉज थिंकिंग कि आप
कहीं यू नो नॉर्थ से पहाड़ों से आपका ताल्लुक है और आप इसीलिए वहाँ के लोग ज़रा टफ होते हैं, बट इट्स अमेजिंग टू नो कि आप पिंडी से हैं और पोठोहार से हैं और आपने ये अचीव किया है। माशाल्लाह, सो एवरीबॉडी कैन डू अगर उस पर वालदैन उन पर ट्रस्ट करें, उनको सपोर्ट करें। अच्छा, हमें थोड़ा सा पहाड़ों के हवाले से बड़ा मतलब है नायला, हम तो जा नहीं सकते वहाँ पे, सुना है सफाई सुथराई के बड़े मखदूज सूरत हाल है, खासतौर पर जो कैंप्स लगाते हैं वहाँ पर लोग अपनी चीज़ें वहाँ पर फेंक आते हैं, बेस कैंप्स भी काफ़ी गंदे हैं, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, व्हाट वाज द माउंटेन दैट यू थॉट कि ये सबसे अच्छी है, साफ है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए ना, मैं चाहता हूँ थोड़ी अवेयरनेस आए लोगों में। जो बिजी माउंटेन्स हैं, फॉर एग्जांपल एवरेस्ट है नेपाल में, वो उस पर रबिश का मसला है, केटू पे भी है, बट केटू पे जो बेस कैंप पे या जो रूट है उस पर है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। द इशू ऑन केटू इज ऑन हायर कैंप्स, क्योंकि इतना टफ माउंटेन है कि लोग या तो वो बीमार हो जाते हैं तो वो अपना कैंप टेंट वगैरह वापस लेके नहीं आते, या उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती, या दे जस्ट केयरलेस। सो हर माउंटेन पे ये इशू नहीं है, कुछ कुछ माउंटेन्स पे है। पाकिस्तान में केटू इज वन एग्जांपल दैट नीड्स क्लीन अप, और उस पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, एंड आई एम होपिंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोजेक्ट। मुझे क्विकली मुझे ये जानना है कि व्हेन यू वर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, जब पहुंची आप, मुझे लगता है आप नेचर के, रब के बहुत करीब हो जाते हैं, और फिर एक जो एकम्प्लिशमेंट का एहसास होता है, अचीवमेंट का एहसास होता है, बीइंग अ फीमेल, दैट मस्ट बी ग्रेट। क्या फीलिंग्स थी, हमारे साथ शेयर करें और इसी पे हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे। व्हाट वाज यू थिंकिंग एट दैट टाइम? मकालू पे आई थिंक इट्स नॉट समथिंग मेबी यू वर एक्सपेक्टिंग। आई क्राइड ऑन माउंटेन, मकालू माउंटेन लास्ट वाला, बिकॉज़ आई डिडंट थिंक ऑल द वे व्हेन आई वाज गोइंग अप, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझसे हो पाएगा, इट वाज सच अ टफ माउंटेन, बट आई वाज वेरी हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू रीच द टॉप। एंड दोस टियर्स वर द सुवेनियर फॉर मकालू एज वेल, बिकॉज़ यू हैव बीन देयर एंड यू आर सच अ प्राइड फॉर अस। थैंक यू वेरी मच ये करने के लिए, और हमें ये मौका देती रही ताकि हम बार बार इसको सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच नायला फॉर बीइंग विद अस।